still drive me crazy. Hey. हेलो दोस्तों, तो हम लोग ये मेकअप की संस्था में पहुंच चुके हैं तैयार होने के लिए. वैसे तो मेरा तैयार होने के लिए आज मन नहीं था, देन मैंने सोचा कि तैयार होते हैं, व्लॉग करते हैं, कुछ तो करते हैं हमारी ज़िंदगी के साथ. ज़िंदगी बहुत अधूरी चल रही है, तो इसलिए मैं आ गई हूँ. सनस्क्रीन मैंने लगा लिया है और अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन. फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, जिसका नाम है फोटो फोकस फाउंडेशन, जिसके शेड का नाम है डेजर्ट बेज. इसका जो शेड है वो मेरे चेहरे से बहुत मिलता है. जब मुझे बहुत लाइट मेकअप करना होता है तो मैं इसी को लगाती हूँ. शीशा पता भी नहीं चलेगा कि मैंने मेरे चेहरे पे लगाया. अब फाउंडेशन मुझे ब्रश के साथ लगाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम ब्रश के साथ लगाएं. ब्लेंड करने में थोड़ा सा और समय स्पेंड करूँगी मैं. और आज मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा डिफरेंट मेकअप करूँ, लाइक रेड लिप्स पहनूँ. मेरे स्कार्स को छुपाने के लिए मैं कंसीलर पहन सकती हूँ, पर मैं आज पहनूंगी नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है. मैं अपने मेरे चेहरे को हाईलाइट करना चाहती हूँ आज, सो हम हाईलाइट करेंगे चेहरे को. ये कोई कंसीलर है इसे ट्राई करते हैं, कौन से ब्रांड का है ये. बी ब्राइट एलुमिनेटिंग कंसीलर कुकी प्रोफेशनल. मुझे लगता है कि इप्सी में आया था, मैंने कभी नहीं ट्राई किया है, तो इसको ट्राई करके देख लेते हैं आज. मैं अपने फेस को इसलिए हाईलाइट करने वाली हूँ क्योंकि मेरा मन है आज. ऐसे मैं रोज इतना मेकअप नहीं करती हूँ. सो ये वाला ब्रश ले रही हूँ, इससे मैं ब्लेंड करूंगी हाईलाइट को. और ये है मॉर्फी का ब्रश और इसमें नंबर नहीं लिखा गया है. मैं मेकअप इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मेरे साथ थोड़ा सा मेकअप शेयर करा करो. और बहुत सारे दोस्तों का कंसर्न है कि जब वो मेकअप पहनते हैं तो मेकअप बहुत नकली सा लगता है. नकली तो लगेगा यार, मेकअप है एंड ना ओरिजिनल तो लगेगा नहीं. बट ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल दिखाने के लिए आपको क्या करना है कि ब्लेंड करें, बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग करें ताकि थोड़ा सा असली लगे. वैसे मेकअप नकली लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो असली नहीं लगेगा. विंडोज़ बहुत ज़्यादा रोशनी दे रही है, क्या करूँ मैं अब. आई होप अब बेटर होगा. ये अच्छा लग रहा कंसीलर तो, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, मैंने कभी इसका नाम तो सुना नहीं. कुकी प्रोफेशनल्स, चमकदार. आज मेरा प्लान है बहुत सारी चीज़ें करने का और आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी हॉल भी दिखा दूँ आपको. वैसे तो मेरा प्लान था ट्राई ऑन करने का, पर अद्दे ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज के व्लॉग में कि मैंने क्या क्या खरीदा है. वैसे मैंने थोड़ा सा कुछ और भी खरीदा है, अगर मैं उसकी वेट करने के लिए बैठ गई तो फिर ओ तेरी, फिर रह जाएगा मेरा बाकी काम. और हॉर्न मेरा मुँह बहुत ज़्यादा चिट्टा हो गया है, बट डोंट वरी, इसी के लिए हम यूज़ करेंगे. कवर करने के लिए हम हमारे फेस को थोड़ा सा कॉन्टोर करेंगे. कॉन्टोर के लिए मैं सीधा पाउडर यूज़ करूँगी, उसके लिए मैं सिटी ब्राउन्जर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वही मेरी आँखों के सामने है. और बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेज आते हैं कि मेरा स्किन ब्राउन है, मेरी स्किन डस्की है, मैं कौन सा फाउंडेशन सूट करेगा मुझे. कोई कहता है कि मेरी स्किन फेयर है, कौन सा फाउंडेशन मुझ पर सूट करेगा. यार स्किन ऐसे मैं नहीं बता सकती हूँ, बाहर बाजार में 50 डिफरेंट शेड के फाउंडेशन है. फेयर भी कितने तरह का होगा, डस्की भी कितने तरह का होगा, इसलिए आपको मैं ऐसे कोई नंबर रैंडम नहीं बता सकती कि ये वाला नंबर ले लो जाके. आपको अपने ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा, आपको नेक पे टेस्ट करना पड़ेगा अपने चेहरे से नेक की तरफ, ताकि पता चले कि आप पे मैच कर रहा है या नहीं. ऐसे मैं बिना आपको देखे बिना टेस्ट किए तो मुझे खुद भी नहीं ले पाती हूँ. ऐसे हर एक ब्रांड जब मैं लेती हूँ मैं खुद पे टेस्ट करके लेती हूँ कि मुझ पे सही है या नहीं. मैंने नोटिस किया कि बहुत बार मैं यहाँ पे बैठती हूँ सिर्फ दो मिनट का मेकअप करने के लिए. कई बार मैं सक्सेस भी हो जाती हूँ, वैसे 2 मिनट ही लगा के चली जाती हूँ मैं. कई बार जब मैं फिल्म करने के लिए बैठ जाती हूँ ना, ऐसा कि मेरा एवरीडे मेकअप कर लेते हैं, मैं एक्स्ट्रा ही पता नहीं क्या क्या कर लेती हूँ जो मैं मेरी नॉर्मल जिंदगी में नहीं करूँगी. मेरी आईब्रोज को ना मैं ट्रिम करना चाहती हूँ. जब भी मेरी आईब्रोज की ग्रोथ बढ़ती है तो मैं सोचती हूँ कि यार इस बार मुझे वीडियो शूट करनी है, पर फॉर सम रीज़न फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत कम समय होता है उसको क्विकली करने का, और मैं फिर करके प्लग 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 भाग जाती हूँ. पर या कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ कि मैं मेरे आईब्रोज को कैसे ग्रूम करती हूँ. अब मेरा चेहरा पता नहीं कैसा दिख रहा है, पर बेयर विद मी, अभी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लें. आईब्रोज को थोड़ा सा फिल कर लेते हैं. लॉरियल का डीप ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ मैं जेल आईब्रोज को फिल करने के लिए. आपको पता है कि मैं आईब्रोज को फिल करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ. मुझे ना ये ब्लाइंड बंद करनी पड़ेगी फिर ठीक होगा. मेरे फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ बनाना सेटिंग पाउडर, और ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है. नन्नू सा लिया था मैंने टेस्ट करने के लिए कि अच्छा होगा या नहीं, बट ये बहुत अच्छा है मैन. ये कोई भी फाइन लाइंस में नहीं भरता है. मैंने देखा है कि बहुत सारे ट्रांसलूसेंट पाउडर है जो वो फाइन लाइंस में भर जाते हैं क्योंकि हम एज्ड हो रहे हैं और फाइन लाइंस बहुत तुमतमा कैसे आ रही हैं, और ऐसे में हमें कुछ ऐसा चाहिए जो फाइन लाइंस में नहीं भरे. अगर तो आप मेकअप पहनते हैं तो आपको मेरा ऐसा चेहरा देख के अजीब नहीं लग रहा होगा. अगर आप मेकअप नहीं पहनते हैं या लगाते हैं
तो आप सोच रहे होंगे यार इनके हो गया, तो अब हम इसको रिमूव कर देंगे। ऑन हो गया हमारा फेस सेट, बिना ही मेकअप के ऐसा लग रहा है चेहरा। ग्रेट लैश मस्कारा, आईब्रोज को सेट, वो काफ़ी डार्क है। आईब्रोज को सेट इसलिए कर रही हूँ मैं इस कलर से क्योंकि मेरे बाल काले हैं आजकल। आईज, आईज पे क्या करेंगे? सो आईज पे मैं ये लगाती हूँ जो ब्राउन्जर मैंने मेरे चेहरे कॉन्ट्रोल करने के लगाया था, इसी से मैं मेरी आईज को एक कलर दे देती हूँ अंदर से बाहर की तरह, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, इसी तरह इस तरह, नॉट अंडर आईज, लोअर लैश लाइन पे उत्तरी। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा शाइन दूँ, थोड़ी सी लाइक ब्राउन शाइन। तो जैकलिन की पैलेट में से कौन सा कलर ले, ये वाला ब्राउन ले लेते हैं क्योंकि ऐसा ही लगाया मैंने। और इसे लेंगे फिंगर पे और जिससे मैंने ब्राउनजर लगाया था उसी से इसको थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। डन मस्कारा। मेरी लैशेस थोड़ी लंबी हो रही हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने मेरे हैंड को जब मैंने बर्न कर लिया था तब मेरी लैशेस पूरी बुरी तरह जल गई थी और बेचारी वापस आ रही हैं लाइफ में। सो अब लगाएंगे लैशेस। लैशेस के लिए मैं लगा रही हूँ डुबाए सिमोर लैशेस। अगर आप सिमोर लैशेस खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर जाएं और अपना लैशेस का पेयर खरीद लें। थोड़ा सा ब्लश लगा लेते हैं, मेलो वाइन फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। यार मुझे उठ के विंडो को बंद कर लेना चाहिए। ओह या बेटर, नाउ यू गाइस कैन सी मी। सो इसको होने देते हैं थोड़ा सा ड्राई और तब तक मैं लिपस्टिक ढूंढ लेती हूँ कि कौन सी लगाऊँ। रेड लिपस्टिक मिली है जो है किस ऑफ लाइफ फ्रॉम रिमल लंडन। ऑलराइट, रेड लिपस्टिक हो चुकी है, देखते हैं मुझे कितनी देर अनकंफर्टेबल नहीं लगता है, तब तक लगा रहने देते हैं। अब थोड़ा सा लाइनर लगा लेते हैं थोड़ा सा। सो ये काम हो चुका है, अब बालों को मैनेज करते हैं। सो मैंने बालों को थोड़ा सा वेवी किया है पर मैं इतना खुश नहीं हूँ उनसे जैसे मैं चाहती थी, वैसे वो नहीं लग रहे हैं। पर मैंने सोचा है कि जल्दी से हॉल को निपटा देते हैं। पता नहीं मुझे मैं सारे कपड़ों को इकट्ठा कर पाई हूँ या नहीं, पर जितने भी कर पाई हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहला मेरे पास जो टॉप है वो है दिस वन, आई होप आप देख पा रहे होंगे। और इसकी जो स्लीव्स है बहुत अच्छी, बलून स्लीव्स है एक्चुअली, इसको बलून स्लीव्स बोलते हैं। सो वो ऐसी हैं वो। मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉप लगा, ये इसके आगे कोई भी बटन्स नहीं है, ये आप नहीं एक्चुअली इसके साथ बेल्ट है। सो आप ऐसे पहन के और इसे यहाँ से टाई कर सकते हैं और या ऐसे ही है ये टॉप। मुझे लगा कि इसको मैं स्किनी जीन्स के साथ पहन सकती हूँ या नीचे कुछ पहन के उसको ऐसे ओपन छोड़ सकती हूँ, यू नो स्टाइल मारने के लिए। सो या पहला ये वाला है, इसमें तीन कलर्स हैं, क्रीम है, ये मस्टर्ड कलर है एंड ये नेवी ब्लू है, और ये कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं। सो या पहला ये वाला है और ये मैंने लिया है शीन से। क्या मुझे शीन के कपड़े अच्छे लगते हैं, हमेशा नहीं अच्छे लगते पर कुछ कुछ अच्छे हो जाते हैं और कई बार कुछ अच्छे नहीं होते। पर मेरा लॉजिक है कि अगर आपको कुछ ऐसे पीसेस मिले जिससे आप यू नो आजकल के ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं तो सो ऐसे में इन्वेस्ट कर दो कि अगर आपको थोड़ी देर पहन के बाद में इनको छोड़ना भी पड़े तो आपको ज़्यादा बुरा नहीं फील हो। पर जो आपके क्लासिक बेसिक पीसेज है वो मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो ऐसी किसी जगह से खरीदे जाएँ। सो अगला जो टॉप है, आई डोंट थिंक सो आपको दिखेगा, वो है ये वाइट। मुझे आपको क्लोजअप में दिखाना पड़ेगा, ये वो ये वाइट टॉप है। अच्छा ब्यूटीफुल वाइट टॉप है ये, और ये भी शीन से ही लिया है मैंने। अगला है जो वो है ये ब्लैक, जो पूरा शीयर है। मेरे पास एक ऐसा पहले भी था बट वो मैंने डोनेट कर दिया था क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, पर देन मैंने उसे मिस करना शुरू कर दिया। पोलका डॉट्स थे पर ये बिल्कुल प्लेन है। मुझे मैंने इसको कई तरीके से स्टाइल करने की कोशिश की, मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आप जाना चाहते हैं कि मैं मेरे कपड़ों को स्टाइल कैसे करूँगी तो वो भी मुझे बता देना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो या ये प्लेन वाइट ब्लैक है और ये भी मैंने शीन से लिया है। मैं कोशिश करूँगी कि इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँ, पक्का श्योर नहीं कहती पर कोशिश करूँगी। अगला ये जो वाइट टॉप है, ये भी शायद आपको दिखेगा नहीं पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी वाला टॉप है, इसमें बहुत अच्छी स्लीव्स हैं। और ये यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है पर मैंने इसको पहन के मेरे इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो शेयर की थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा है ब्लाउज़,
सो ये है। अगला जो है वो है लेदर पैंट्स, इसकी भी मैं फ़ोटो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने ली है ब्रांड डायनामाइट से। बहुत समय के बाद मैं कोई हॉल शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है और गर्मी भी लग रही है। सो ये बहुत बहुत अच्छी लेदर पैंट है। मेरा लेदर पैंट पहनने के लिए बहुत समय से मन था, मेरे पास एक है भी, पर वो जो लेदर पैंट्स है वो है स्किनी, और आजकल मेरा स्किनी पहनने के लिए मन नहीं करता। तो ये बहुत अच्छी पेपर बैग किस्म की लूज़ पैंट है और बहुत अच्छी लगी मुझे ये। एक्चुअली मैंने एक दो बार पहनी है मैं ग्राम के लिए, और उसकी मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर देती हूँ। और या ये काफ़ी अच्छी एंड कंफर्टेबल है, और ये है ब्रांड डायनामाइट से। और अगला जो टॉप है वो है H&M से, और H&M से मैंने लिए हैं ये प्लेन टॉप। एक्चुअली मेरे किसी व्लॉग में जिस दिन ये पैकेज आया था उस दिन आपने ये देखा होगा। ये बहुत ही अच्छा सिंपल सादा सा ब्लैक है, इसके यहाँ पे बटन्स है और ये टर्टल नेक है। मुझे टर्टल नेक्स पहनने बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली सर्दियों वाले मौसम में, या किसी भी कपड़ों को लेयर करने के लिए, यू नो, या ये पहला लेयरिंग पीस बनता है। ऐसा ही मैंने एक और लिया है ऑफ वाइट में, क्योंकि वाइट एंड ब्लैक हमेशा यूज़ होते हैं। आप अगर आप कुछ भी स्टाइल करना चाहते हैं तो आपकी कहानी इन्हीं के साथ शुरू होती है। सो या ये है ऑफ वाइट सेम, और साइज़ है मीडियम। और अगला जो टॉप है वो भी मैंने लिया है डायनामाइट से, और वो है ये वाला। ये बहुत ही लूज़ ब्लैक कलर का है। ये मैंने हिम्मत के बर्थडे वाले व्लॉग में पहना था। एक्चुअली जिस दिन मैं ये शॉपिंग करी थी तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। मैंने उनको कहा कि मुझे मीडियम साइज़ आता है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बहुत मोटे हो, तुम्हें मीडियम नहीं आएगा, लार्ज ले, एक्स्ट्रा लार्ज ले। सो ये एक्स्ट्रा लार्ज है, और ये मेरे साइज़ से काफ़ी बड़ा है, जिससे मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये इधर उधर दिखता रहता है, पर फिर भी मैं पहन लूँगी यार। सो ये है वो। और अगली चीज़ मैंने ली है डेनिम। ये डेनिम का स्टाइल तो काफ़ी अच्छा है यार, मुझे ना डेनिम चाहिए। जो मेरा मन करता है आजकल जैसे डेनिम पहनने का, वो है लिवाइस की 500 नंबर जैसी, मुझे मिली नहीं अभी और ढूंढ रही हूँ अभी मैं उसको। पर या ये H&M से मैंने ली है। ये मुझे लगता था कि ये वैसी होगी, पूरी स्ट्रेट है और वैसी तो नहीं है, पर इसकी फिटिंग नॉट बैड है, लाइक हाई वेस्ट है। ये है स्ट्रेट हाई वेस्ट एंड नंबर है इसका 10, एंड या ये ली है मैंने H&M से। और ये डेनिम आपको जैसे लगता है कि बहुत आसान काम है, पर डेनिम, अच्छी डेनिम ढूंढना जो आपको अच्छी फिट हो, मज़ेदार दिखे, इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगली चीज़ मैंने ली है ये लेदर की स्कर्ट। मुझे ए लाइन स्कर्ट बहुत अच्छी लगती हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को ए लाइन लेदर पहने देखा और वो मन किया कि मुझे भी पहनना है। सो मैंने ये ली है ए लाइन लेदर की स्कर्ट H&M से, और ये है वो। अगला टॉप भी H&M से है। मुझे लगता है कि आपने ये मुझे पहने हुए ऑलरेडी देख लिया होगा, पर अगर नहीं देखा है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो बेचारा प्यारू सा शीयर किस्म का क्यूड़ी टॉप है, जिसकी आर्म्स कुछ ऐसी हैं। और या ये ऐसे पीसेज हैं जो आप हज़ारों करोड़ों बार पहन सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या पहन रहे हैं। अगला ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेडी बियर किस्म का, जो कि अच्छे नूड कलर में है, जो कलर मुझे अच्छा लगता है। इसको देख के गर्मी लग रही है मुझे आज बहुत गर्मी है यहाँ पर बाय द वे। सो यार ये लिया है मैंने, ये भी पति की दया से मुझे लगता है लार्ज है और मुझ पर काफ़ी बड़ा है। वैसे बड़ा चलेगा, इट्स ओके, पर अगर मीडियम होता तो ज़्यादा अच्छा था। मीडियम भी मेरे ऊपर लार्ज ही लगना था, क्योंकि इसका स्टाइल ही लूज है लाइक। ऑलराइट, तो मैंने लिया है एक और क्यूट सा ब्लाउज़, जो कि रेड ब्लैक एंड वाइट कलर में है। ये भी मैंने लिया है डायनामाइट से। डायनामाइट के कपड़ों की क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है, और जब भी वहाँ पर मुझे कुछ अच्छे प्राइस में मिले और मुझे स्टाइल अच्छा लगे तो मैं ख़रीद लेती हूँ। इसकी लेंथ जो इतनी है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ये मैंने उल्टा पहना है। वैसे ये कुछ इस तरह का लगेगा, ट्राई करके बताओ। कपड़े पहन लिए हैं मैंने। सो या ये कुछ इस तरह का टॉप है, प्रिटी है। ऑलराइट, और एक मैंने लिनन की शर्ट ली है, और क्या लिया है अब मुझे याद नहीं आ रहा, और ना ही मुझे मिला है। फिलहाल मुझे यही कपड़े मिले हैं। और ओ एक्चुअली जो मैंने उस दिन शर्ट पहनी थी, ओल्ड नेवी से भी मैंने दो चार चीज़ें ली थी। उनमें से एक तो शर्ट है जो मैंने पिछले व्लॉग में पहनी थी, जिसका हाई
नेक है और एक वाइट शर्ट की पिक्चर मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, ये मैंने ली है डायनामाइट से। और एक जो स्ट्रेट लाइंस वाला स्ट्राइप्स वाला टॉप मैंने पहना था, जब मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड ने लार्ज ले दिया है, एक वो लिया था मैंने। और मैं ऐसे स्टोरीज बता रही हूँ मैं सच है कि रहने देते हैं या एंड नहीं है। सो ये हॉल होती है फिनिश। अब जाते हैं डाउन स्टेयर, कुछ इम्पॉर्टेंट काम करते हैं जो मैं बहुत कम कर रही हूँ आज। Look at this guys, what he did. इसने सारे रूम में ग्लिटर ही ग्लिटर मैस कर दी। मैं समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करो। Everywhere, यहाँ से लेके उस रूम में चला गया वो। ओके दोस्तों, तो हिम्मत बैठ चुका है वहाँ पे लेटर लिखने के लिए और उसे आज लेटर लिखने हैं हाउ मेनी। उसको बड़े एंड छोटे दोनों लेटर की प्रैक्टिस करने वाला है आज। वो लिखेगा 20 लेटर्स और उनके बड़े छोटे 10 टाइम्स। और ऊपर से मैं क्लीन करके आई हूँ, बहुत समय लग गया मुझे, पर फिर भी जो स्पार्कल है उसको क्लीन करना आसान ही नहीं है, लाइक पॉसिबल नहीं है, पूरा क्लीन नहीं होगा। अब धीरे धीरे जाएंगे, कहीं ना कहीं तो शाइन कर ही रहे वो। मैंने वैक्यूम के साथ क्लीन करने की कोशिश की, वैक्यूम में भी इतनी आसानी से आ नहीं रहे वो। और मैंने लकड़ी वाले फ्लोर पे मॉप किया, झाड़ू से किया, मॉप किया और उसके बाद फिर से मैंने स्प्रे लेके पेपर टॉवल से किया। इनने मेरा काम इतना ज़्यादा बता दिया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ कर करके। और पता नहीं क्यों ये स्पार्कल लेके सारे रूम्स में घूम गया, लाइक इसके रूम में गिरे, ये लेके वॉशरूम में चला गया, उसके बाद मेरे वाले वॉशरूम में चला गया, कारपेट पे इसने मैस की, हमारे कारपेट पे की। सो या दिस इज हिम्मत। हिम्मत को पनिशमेंट मिली है, जो उसका वो प्यारा दोस्त है मंकी, वो उसे नहीं मिलेगा आज, उसे वो कल मिलेगा। देयर ही इज़ वॉचिंग। सो यस, ये हिम्मत की पनिशमेंट होने वाली है और मैं बहुत टायर्ड हूँ और मैं इस व्लॉग को एडिट करना शुरू करने वाली हूँ। काफ़ी समय हो चुका है कि हमने किसी पुस्तक के बारे में विचार विमर्श नहीं किया है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। मैं एक नई किताब पढ़ने वाली हूं जो कि है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस बुक के बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ दिन पहले मेरे कज़न आए थे हमें मिलने के लिए, उन्होंने बताया कि ये बुक बहुत अच्छी है। मैंने उनको बताया कि आजकल मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट ले रही हूँ और उन्होंने कहा कि अगर तुम ये बुक पढ़ो तो तुम्हें बहुत मज़ेदार लगेगी, क्योंकि इसमें वैसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो तुम जानना चाहते हो। और फिर मैंने इसके बारे में जाना कि सच में कि ये बुक कैसी है और काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला और बहुत सारी नामी ग्रामी हस्तियों ने कहा है कि ये बुक बहुत अच्छी है। सो या ये बुक पढ़ने वाली हूँ मैं। सो या इनके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ मैं कि क्या है इस किताब में। थोड़ा पढ़ते हैं, इसमें पिक्चर्स भी हैं, सो थोड़ा इस किताब को पढ़ते हैं। अगर आप इस किताब के बारे में रिव्यूज़ जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि मेरे विचार, कमेंट बार में बताना और हम इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अब मैं मेरे चैनल पे बहुत सारे व्लॉग्स अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि या मैं चैलेंज लेने वाली हूँ ये कि मुझे व्लॉग शूट करना है एवरी डे। और देखते हैं कि अपलोड मैं एवरी डे और एवरी अदर डे करूँगी, पर या बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप कोई स्पेशल चीज़ चाहते हैं मेरे व्लॉग में, तो प्लीज़ वो कमेंट बार में छोड़ देना, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे या वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि जब भी आप मुझे कुछ बताते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं, मैं हमेशा उसको अपने दिमाग में रखती हूँ और उसके बारे में हम बात करते हैं या मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ। सो यस, ज़रूर वो करें। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने इस व्लॉग को पसंद किया होगा, अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलो दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, ईजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी। बाय लालू।